रीवा एसपी नवनीत भसीन लगातार जिले की कानून व्यवस्था में कसावट लाते दिखाई दे रहे हैं। आम जनता को खुद से सीधे जोड़ने के लिए उन्होंने कई हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं, जिनके माध्यम से जनता की शिकायतें सीधे एसपी तक पहुंच रही हैं और शिकायतों के आधार पर सूदखोरों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। इसके साथ ही रीवा पुलिस को नशे के कारोबार और सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ करने सहित बदमाशों की धरपकड़ और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने में भी नई उपलब्धियां हासिल हुई हैं। इन्हीं सभी मुद्दों पर एसपी नवनीत भसीन से खास बातचीत की हमारे संवाददाता सुशील चतुर्वेदी ने। रीवा पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन जी, 3 महीने का समय बीत गया है आपके आने के बाद। लगातार रीवा जिले में पुलिसिंग में कसावट देखने को मिली है, कई मुहिमें भी चलाई गई हैं। सर, हम आपसे जानेंगे कि जिस तरीके से अभी हाल ही में आपने सेक्स रैकेट के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया और एक बड़े सरगना को आपने पकड़ा, किस तरीके से ये कसावट लाई जा रही है पूरे जिले की बात करें तो? सबसे पहले तो सुशील जी, मैं आपको और INE24 को धन्यवाद देना चाहूँगा। मैंने जब ज्वाइन किया था उसके पश्चात आपने एक इंटरव्यू मेरा लिया था और उसके माध्यम से जनता से प्रत्यक्ष जुड़ाव के लिए, डायरेक्ट संवाद के लिए मैंने अपना एक नंबर भी जारी किया था और मेरा पर्सनल नंबर भी जब को जारी किया था और पुलिस हेल्पलाइन शुरू किया था। उसका आपके चैनल के माध्यम से कई लोगों तक पहुंच हुई और उसका ही नतीजा है कि काफ़ी बड़ी मात्रा में टैबलेट्स बरामद हुई नशे के लिए जो यूज़ होती हैं। उसका ही नतीजा है कि एक जो सेक्स रैकेट की आप बात कर रहे थे, इसके बारे में लोगों ने सूचना दी आगे बढ़कर। इसके अलावा कई और सूचनाएँ लोगों ने प्रदान किए हैं, इससे कि हमारे वारंट तमिल में भी काफ़ी तेज़ी आई है। तो सबसे पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद कि पब्लिक से कनेक्ट करने में उसने बड़ी महती भूमिका निभाई है। और सर, खासतौर से इस समय सूदखोरों के खिलाफ बड़ा अभियान चल रहा है और कई सूदखोरों को जेल की हवा भी खानी पड़ रही है, लगातार कार्यवाही भी देखने को मिल रही है, तो किस तरीके से लोगों की मदद हो पाती है, लोग आप तक वो शिकायत पहुँचाते हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रत्यक्षता मेरी मुलाकात फरियादियों से होती है, थाना स्तर पर भी लोग लगातार जा रहे हैं फरियादी और अपनी बात रख रहे हैं। सूदखोर वाले अभियान में पुलिस हेल्पलाइन में कुछ शिकायतें आई थी, कुछ फरियादी यहाँ पर जनसुनवाई में आए थे, तो हम लोगों ने सेम डे उनके प्रकरण में FIR पंजीबद्ध करा के ये प्रयास किया कि 24 घंटे में आरोपी की अरेस्टिंग हो जाए और जिससे कि फरियादी को संतोष मिले कि उसके आने के पश्चात कार्रवाई त्वरित रूप से की गई है। सर, यातायात की व्यवस्था खासतौर से आपके आने के बाद देखने को मिली है कि अब यातायात व्यवस्था जो शहर की है वो कहीं ना कहीं सुधार हो रहा है, तो इस दिशा में किस तरीके से प्रयास किए गए? जिस प्रकार से रीवा काफ़ी तेज गति से विकसित हो रहा है उसे देखते हुए यातायात की समस्या का होना स्वाभाविक है। इस प्रकार इस समस्या को हम लोगों ने समझा और सबसे पहले तो इसके लिए आवश्यक होता है समन्वय, जो कोऑर्डिनेशन वर्तमान में जिला प्रशासन, पुलिस और नगर निगम के बीच है। उसके चलते हम लोग हफ्ते में 2 बार 1 घंटे का सामूहिक भ्रमण करते हैं और हम लोगों ने अभी तक महत्वपूर्ण 4 से 5 वो प्लेस आइडेंटिफाई किए हैं जहां पर यातायात के कारण काफ़ी बाधा होती है, ट्रैफिक जाम होता है, एम्बुलेंस को समस्या आती है, आम नागरिक परेशान होता है। उसे देखते हुए इन जो 4 से 5 एरियाज आइडेंटिफाई किए गए, यहाँ पर नगर निगम ने अपने काफ़ी स्ट्रक्चरल चेंजेस किए और जिला प्रशासन के सहयोग से वहाँ पर कुछ अतिक्रमण भी हटाए गए और ट्रैफिक पुलिस ने भी अपनी वहाँ पे भूमिका और अधिक प्रभावी निभाई है। मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से पुनः एक बार इस विषय में अपील करना चाहूँगा रीवा के नागरिकों से कि रीवा का यातायात बेहतर बनाने में आपका सहयोग अपेक्षित है, आप लोगों की मदद बहुत आवश्यक है जिससे कि हम लोग टीम के रूप में काम करके इसमें और अधिक इम्प्रूवमेंट कर सकें। सर, जिला प्रशासन के साथ अन्य विभागों के साथ में ज्वाइंट एक अभियान देखने को मिला, खास तौर से चाहे वो कोरोना को लेके हो चाहे वो वैक्सीन अभियान हो, तो इस तरीके से जब अहम भूमिका रहती है अन्य जो सामाजिक क्षेत्र उनके साथ भी, तो कैसे लोगों से जुड़ा हुआ? जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि जिला प्रशासन एक टीम के रूप में काम कर रहा है और आपसी समन्वय के चलते पब्लिक से संवाद भी बढ़ा है और जो हम लोगों का इंटरेक्शन तो काफ़ी अच्छा है ही, और हम लोगों को टीम के रूप में देख के लोग भी और ज़्यादा उत्साहित होते हैं सूचनाएं देने में, जानकारी देने में, और हमारी कोई भी कार्रवाई होती है तो उसमें लोग समझते हैं उस बात की वैल्यू और विरोध ना करके सहयोग की मुद्रा में आ जाते हैं। ये थे रीवा पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन जी, जिनका साफ तौर पर कहना था कि जिस तरीके से पुलिस प्रशासन अन्य विभाग के साथ एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया गया उसका भी कहीं ना कहीं असर दिखा और खासतौर से जो नंबर लोगों तक पहुंचा उस पर भी जनता का भरोसा कहीं ना कहीं जनता ने जताया और लगातार जिस तरीके से आप तक जानकारियाँ आ रही हैं उसी का परिणाम है कि रीवा शहर में लगातार कार्रवाई भी देखने को मिल रही है और रीवा शहर की कानून व्यवस्था भी बेहतर है। कैमरा पर्सन संतोष श्रीवास्तव के साथ सुशील चतुर्वेदी, INE24 रीवा।